Hello to all. Today we will discuss a new chapter, periodic table. और ये lectures जो रहेंगे ये 11, 12th for IIT, JEE, NEET and जो भी aspirants PGT chemistry के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी lectures रहेंगे. तो आज start करते हैं periodic table and its classification. Chapter name रहेगा periodic table. पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, देखो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे एटम के बारे में कि व्हाट इज एटम. ये देखो एटम के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से उठाएंगे कुछ पोर्शन को, क्योंकि पहले एटम के बारे में हमें पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और एटम क्या होता है, देखो आप सबको पता है एटम क्या होता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट या एंटिटी, पार्ट या एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट. एटम जो होता है वो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट या मैं बोल दूँ सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है किसी एलिमेंट की. ठीक है, विच विल टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. अब एटम भी क्या कंसिस्ट करके चलता है, एटम कंसिस्ट दो तरीके के पार्टिकल ये कंसिस्ट करता है अपने अंदर. दो तरीके के पार्टिकल कौन कौन से, जैसे एक मैं कह दूँ कुछ तो होते हैं स्टेबल पार्टिकल, कुछ पार्टिकल तो होते हैं जिनको मैं कहता हूँ स्टेबल पार्टिकल, और कुछ क्या होते हैं अनस्टेबल. कुछ पार्टिकल होते हैं अनस्टेबल पार्टिकल. अब स्टेबल पार्टिकल कौन कौन से हैं, स्टेबल पार्टिकल देखो स्टेबल पार्टिकल कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि जिनको हम जनरली पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसके अलावा अनस्टेबल पार्टिकल ये कौन कौन से पार्टिकल हैं, जैसे आपने सुने होंगे मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये अनस्टेबल होते हैं पार्टिकल्स. ठीक है, लेकिन जनरली हमें जो डील करना है, जिन पार्टिकल्स के साथ हमें डील करना है, वो पार्टिकल्स हमारे लिए कौन से होंगे, जो ये वाले पार्टिकल्स हैं, जो ये पार्टिकल्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हम जनरली इन्हीं के साथ डील करते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ के बाद जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम बोल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर. तो देखो जब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करता हूँ, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा न्यूक्लियस के अंदर, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिटल. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जब पीरियोडिक टेबल हमें पढ़नी होती है, तो उससे पहले हम इसके एटम के बारे में कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं. ये देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, एक टेबल बनाएंगे हम लोग, नेम ऑफ पार्टिकल. यहाँ हम लिखेंगे नेम ऑफ पार्टिकल, यहाँ लिखेंगे उसका मास कि उस पार्टिकल का मास कितना है. इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम चार्ज, यहाँ लिखेंगे चार्ज. ठीक है, तो देखो नेम ऑफ पार्टिकल में अगर मैं डिस्कस करूँ, सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करें, मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम में, तो ये होगा. और 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम में इतना होगा. और 0.0058 ये AMU में होगा इसका मास. और अगर मैं इसका रिलेटिव मास निकालता हूँ प्रोटॉन के थ्रू, प्रोटॉन के रेस्पेक्टिव में, तो 1/1837 टाइम जो है क्या रहेगा ऑफ
ऑफ प्रोटोन, ऑफ प्रोटोन या हाइड्रोजन एटम मैं कह लूँ, इतना ये इसका मास जो है इतना कम होता है प्रोटोन के मास से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चार्ज की बात करूँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये आपको पता होना चाहिए। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं ESU में लिखता हूँ इसकी यूनिट को, और −4.8 × 10⁻¹⁹ ये यूनिट किस में है, इसकी ESU में। ESU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर कितना होगा, 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU। इसके बाद अगर मैं इसके E बाई एम रेशो की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के E बाई एम रेशो की बात करूं, तो ये होता है 1.7 × 10⁻¹⁹ कूलम पर ग्राम, सॉरी पर किलोग्राम, ये इसका E बाई एम रेशो होता है। और इलेक्ट्रॉन का E बाई एम रेशो ऑलवेज रिमेन सेम, ये रहेगा ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है दोस्तों, ऑलवेज रिमेन सेम, सॉरी ऑलवेज रिमेन सेम, ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ये आप को डिस्कस कराया जाएगा कि कैसे सेम है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ के बाद बात आती है प्रोटोन की, अगर मैं बात करूँ, सेकेंड है प्रोटोन। ये देखो प्रोटोन क्या कहता है, अगर मैं प्रोटोन के मास की बात करता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास हमने लिखा इतना, ऐसे ही प्रोटोन के मास की अगर मैं बात करूँ, तो प्रोटोन का मास हो जाएगा 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, और 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम, और अगर मैं AMU में बात करूँ तो 1.00076 AMU, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लेके चलते हैं। ये प्रोटॉन के मास हो गया। अगर मैं चार्ज की बात करूं यहाँ से, तो चार्ज कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो चार्ज हो जाएगा, प्लस की वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसके अलावा अगर मैं ESU में बात करूं, तो ये भी प्लस में आ जाएगा 4.8 × 10⁻¹⁹, ये हो जाएगा आपका ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इसके E बाई एम रेशो की बात करूं, तो वो हमें इतना डिस्कस करना नहीं है, हम इसी पे हम लोग प्रोटॉन के बारे में अभी केवल इतनी बात करेंगे, और गहराई से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ही डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद थर्ड केस में आ जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये देखो न्यूट्रॉन क्या हो गया भाई, न्यूट्रॉन के ऊपर अगर मैं मास की बात करूँ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात करूँ, तो एग्जैक्ट जो मास इसका होता है वो होता है 1.6725 × 10⁻¹⁹ में, यहाँ अगर मैं लिख दूँ 24 ग्राम, तो ये इसकी वैल्यू है। इसके अलावा अगर मैं न्यूट्रॉन के मास की बात करूँ, तो ये होता है 1.675 आ जाता है, 1.675। तो ये हल्का सा बिल्कुल न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो बिल्कुल स्लाइटली ग्रेटर देन होता है प्रोटॉन के मास से, बट इसको हम ऑलमोस्ट इक्वल टू मान के चलते हैं। लेकिन कभी तुमसे कोई पूछ ले कि किसका मास ज़्यादा है, न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन का, तो आप न्यूट्रॉन का कह के चलोगे, ठीक है। इसके अलावा ये हो जाएगा −27 किलोग्राम, और 1.675 × 10⁻¹⁴ ग्राम, और इसके बाद अगर मैं इसके AMU के मास की बात करूँ, तो वो हो जाएगा 1.0089 AMU। देखो स्लाइटली सा थोड़ा सा ज़्यादा है बिल्कुल, इसका 1.00076 है, ये 1.0089 के आसपास है ये, सॉरी यहाँ पे ना एक जीरो कम कर लेना, ये एक जीरो कम हो जाएगी इधर इसमें यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अगर इसके मैं चार्ज की बात करूँ, तो चार्ज इस पे कितना होता है आप सबको पता है, न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज इस पे हो गया। तो ये बातें थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब आगे डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ये देखो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर क्या है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूँ, तो देखो आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं लिख दूँ आपके सामने, जैसे आप सबको पता होगा एक टर्म होती है आइसोबार, इसके अलावा एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स, इसके अलावा एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आइसोटोन्स, इसके अलावा एक और टर्म होती है जिसको मैं कहता हूँ आइसोडाइफर्स, इसके अलावा एक और टर्म होती है जिसको मैं कहता हूँ आइसोस्टेयर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके अलावा एक सिक्स्थ टर्म होती है जिसको मैं कहता हूँ आइसोस्टेयर्स,
ये छह टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि ये छह टर्म्स क्या कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स को, आइसोटॉप से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज आइसोटॉप्स, ये देखो भाई आइसोटॉप्स क्या होते हैं, दोज स्पीशीज, दोज केमिकल स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटोन, या मैं कह दूं विच हैज सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ एटॉमिक, सेम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, सेम एटॉमिक नंबर। दो स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के होता है, तो प्रोटॉन लिखने चला था मैं, लेकिन इससे हम लोग इजीली से पढ़ पाएंगे एटॉमिक नंबर क्या है भाई। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप सबको पता है, जेड से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वो केमिकल स्पीशीज या एलिमेंटल स्पीशीज, ठीक है, जिनके पास सेम नंबर, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। लेकिन देखो इसमें एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, ये देखो जैसे मैं लिख दूँ 1H1 हाइड्रोजन का, ये हो गया, इसके बाद 2H1, ये हो जाएगा यहाँ पे 2H1, ये देखो एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एक्स लिखा मैंने यहाँ पे, नीचे लिखते हैं हम इसका जेड और ऊपर लिखते हैं इसका ए, ए क्या हो गया बोलो, एटॉमिक मास, और जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, जेड हो गया एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो आप ये ऊपर देख रहे हो, ये जो ये है, ये क्या आपका एटॉमिक मास है और नीचे क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसके अलावा एक होता है 3H1, ये तीनों के तीनों आइसोटॉप्स हैं। एग्जांपल नंबर बी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो 12C6, इसके अलावा 13C6, इसके अलावा 14C6, और ये 14C6 तो कार्बन डेटिंग के काम आता है भाई, कार्बन डेटिंग आपको पता होगी कि बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों को जब ये पता लगाया जाता है कि ये कितनी पुरानी है, ठीक है, तो वो इसकी हेल्प से पता लगाया जाता है, C14 की हेल्प से। इसके अलावा और देख लो आप लोग एग्जांपल नंबर, ये देखो क्लोरीन के आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है Cl35 और यहाँ कितना 17, और एक होता है Cl37 और यहाँ कितना 17। तो ये तीनों के तीनों क्या है, एग्जांपल आपके आइसोटॉप्स के हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अब आगे चलते हैं आइसोबार्स की तरफ चलते हैं। ये देखो सेकंड केस आइसोबार्स, व्हाट इज आइसोबार्स, आइसोबार्स देखो क्या होता है, आइसोबार्स किसको कहते हैं, एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यहाँ इसका अपोजिट हो जाता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। इसके अलावा अब इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे आर्गन 40 और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 18, और एंड कैल्शियम 40 और एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 20 हो गया। तो ये दोनों के दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के, देखो इनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। इसके अलावा एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा कार्बन 14-6 एंड नाइट्रोजन 14-7। तो ये दोनों के दोनों भी क्या है भाई, आइसोबार्स हैं। तो ये आइसोबार्स के बारे में बात हो गई। इसके बाद थर्ड केस की अगर मैं बात करता हूँ जिसको मैं बोलूँगा आइसोटोन्स, ये देखो आइसोटोन्स क्या कहता है, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उनको मैं आइसोटोन्स कहता हूँ। अब इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो मान लो भी एक एग्जांपल हम लोग लिखें, जैसे मैं ले लेता हूँ आपके सामने मैग्नीशियम और सोडियम ले लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12 और मास नंबर कितना हो गया इसका 24, एंड सोडियम कितना हो गया 23
23 और ये हो गया 11। तो जब आप इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो वो क्या आएंगे आपके, सेम आएंगे। ये देखो 24 माइनस में 12 लिखोगे, भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं भाई, देखो जो मास नंबर होता है मास नंबर में से माइनस कर दो आप एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो, आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लोगे। ठीक है, तो ये मास नंबर हो गया और ये एटॉमिक नंबर हो गया, तो इसका मास, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसमें देखोगे आप लोग तो 23 माइनस में 11, तो इसमें भी कितना आ गया बताओ मुझे, 12 न्यूट्रॉन। तो दे बे दो दे बोथ आर वट, आइसोटॉन्स, ये दोनों के दोनों क्या हैं, आइसोटॉन्स हैं। इसके अलावा और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल नंबर बी, जैसे मैं लिख लूँ एक फ्लोरीन का आइसोटोप होता है फ्लोरीन 19 एंड एटॉमिक नंबर कितना 9, और ऑक्सीजन 18 एंड एटॉमिक नंबर कितना बोलो 8, दे बोथ आर वट, आइसोटॉन्स। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, ये लिख लो फॉस्फोरस का कितना हो गया बोलो 31 और ये हो गया कितना 15, ये फॉस्फोरस का एक आइसोटोप है। सल्फर का हो गया 32 और यहाँ पे कितना हो गया बोलो 16, तो ये दोनों के दोनों क्या है बताओ मुझे, आइसोटोन्स हैं। इनके पास भी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इनके पास भी क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कितने हो गए हमारे, तीन पार्ट हमने पढ़ लिए, ये देखो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, इसके बाद आइसोबार्स, इसके बाद आइसोटोन्स, आइसोटोन्स के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फोर्थ केस, जिसको मैं बोलूँगा आइसोडाइफर्स। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना भी, आइसोडाइफर्स देखो क्या कहता है, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स में आपको ध्यान रखना है दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम डिफरेंस ऑफ ए माइनस टू जेड, जिनके अंदर ये डिफरेंस सेम आता है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, आइसोडाइफर्स कह देता हूँ, और सेम डिफरेंस ऑफ एन माइनस पी, एन माइनस पी का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और पी का मतलब है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन माइनस में प्रोटॉन का डिफरेंस अगर सेम आ जाए जिस जिन एलिमेंट्स में, या फिर ए माइनस टू जेड का डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो ऐसे स्पीशीज को मैं आइसोडाइफर्स कहता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें तुमको फंसा देगा क्वेश्चन के अंदर, तो इसको एक बार ध्यान से समझना। इसके कई सारे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, ये देखो भाई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ कैसे ये सब कुछ हमें डिटेक्ट आउट करना होता है। ये देखो जैसे मैंने फॉस्फोरस लिख दिया, ये देखना भाई ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस लिख दिया तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 15 हो गया, और इसका मास नंबर कितना हो गया 31। तो सबसे पहले इसका ए माइनस टू जेड निकालो, देखो ए माइनस टू जेड, ए का मतलब आप समझते हो एटॉमिक मास, माइनस में टू जेड क्या हो गया, टू इंटू में एटॉमिक नंबर, ये हो गया, तो 2 इंटू में कितना बोलो 15, तो ये कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 1 आ जाएगा भाई, ये 30 हो गया और ये 31, 31 माइनस में कितना 30 कितना आ गया ये बोलो, 1 आ गया। अब इसके बाद मैं इस वाले एलिमेंट्स की अगर बात करूँ, इस वाले की क्लोरीन, क्लोरीन का मैंने एटॉमिक मास लिखा 35 और यहाँ लिखा मैंने 17, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो इसका मास कितना हो गया 35 माइनस में ये कितना हो जाएगा 34, भाई 17 टू जा ए माइनस टू जेड में पुट करेंगे तो ये इतना आएगा, तो ये इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो आप देखो दोनों के ए माइनस टू जेड की वैल्यू 1 और 1 आ रही है, तो ये बोथ आर, फॉस्फोरस का ये वाला सिस्टम और क्लोरीन का ये वाला सिस्टम, ये दोनों के दोनों क्या है बताओ मुझे, आइसोडाइफर्स हैं, ये दोनों के दोनों आइसोडाइफर हैं, ये आपको आपको ध्यान रखनी है भाई ये बात, ये दोनों के दोनों आइसोडाइफर्स हैं। और देखो इनके साथ और कौन कौन आइसोडाइफर हो सकता है अगर, अच्छा इनका एन माइनस पी निकाल लो वो भी सेम आएगा, आप देखो निकाल के, ये देखो एन माइनस पी निकाल लो, फॉस्फोरस का एन माइनस पी निकाल लो भाई, फॉस्फोरस का एन माइनस पी, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 16, भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल लोगे आप, 31 माइनस में 15 ये कितना हो जाएगा बोलो 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस में और प्रोटॉन कितने है बताओ 15, तो ये क्या आ गया बताओ मुझे 1। ऐसे ही इसके और इसके बीच में डिफरेंस जब आप निकालोगे तो ये भी कितना आएगा बोलो 17 और ये कितना हो गया 35, तो ये 18 आ जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 18 माइनस में 17, देखो ये भी दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये तो है एन माइनस पी,
एन माइनस पी भी क्या आ रहा है बताओ मुझे, सेम। और इसके अलावा ये जो है ये ए माइनस में टू जेड, ए माइनस में टू जेड ये भी क्या आ रहा है बताओ मुझे, सेम। तो दोनों के दोनों ये सेम आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों स्पीशीज क्या होगी बताओ मुझे, आइसोडाइफर्स होगी। ये क्या होगी बोलो, आइसोडाइफर्स। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो भाई, इधर देखना सब, ये देखो अगर मैं आपको बोल दूं, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एक एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताना इनमें से कौन कौन पेयर आइसोडाइफर्स हैं। जैसे कि एक लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम 23 और 11 एंड एंड लिथियम, लिथियम 7 एंड 3। इसके अलावा ये फर्स्ट केस हो गया है, इसके अलावा आप मुझे बताना ये सेकंड केस, इनमें से कौन कौन आइसोडाइफर्स हैं ये आपको बताना है मुझे। इसके अलावा एक मैंने लिख दिया फास्फोरस 31 एंड ये 15 एंड, और इसके अलावा एक और ले लेते हैं हम इसके साथ, कार्बन 14, कार्बन 14 एंड 6। आप बताइए इन दोनों में से कौन सा आइसोडाइफर्स हैं। देखो ध्यान से देखना भाई, ये देखो इसमें अगर मैं बात करूँ, इसके ए माइनस टू जेड निकाल लो और इसका ए माइनस टू जेड निकाल लो। इसका ए माइनस टू जेड कितना आएगा देखो आप, ए कितना हो गया इसका 23, सोडियम का ए कितना हो गया 23 माइनस में 2 इंटू में कितना बोलो 11, तो ये 1 आ गया बोलो ये सरनो। और इसके लिए निकाल लो इसका कितना हो गया ए 7 माइनस में 3 टू जा 6, ये कितना हो गया बोलो 1। तो दोनों का ये क्या आ रहा है बताओ मुझे, सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा था, दोनों के दोनों क्या हो गया बताओ मुझे, आइसोडाइफर्स। दे बोथ आर आइसोडाइफर्स। लेकिन इसमें अगर डिस्कस करता हूँ मैं, तो इसका ए कितना है देखो 31 माइनस में 30, ये तो कितना आ गया बताओ 1। और इसके अगर इसकी कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो 14 माइनस में कितना हो गया ये 12, ये कितना आ गया 2। तो देखो ये दोनों के दोनों आइसोडाइफर नहीं है। आइसोडाइफर कौन हो जाएगा, फर्स्ट केस आपका आइसोडाइफर हो जाएगा, सेकंड केस आपका आइसोडाइफर नहीं होगा। तो ये डिफरेंस आई होप मैं समझ पा रहा हूँ, सोच पाऊँगा कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि आइसोडाइफर्स क्या होते हैं। और करते हैं क्वेश्चन, ये देखो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखो एक और है भाई, इधर देखना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18 और ये 8 लिख लिया मैंने, और इसके साथ मैं आपको दे देता हूँ, एक मैंने दे दिया आपको कार्बन 14, कार्बन 14 और 6 एक ये दे दिया पेयर मैंने, ये ए केस हो गया। और बी केस यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, बी केस बताना मुझे कौन क्या होगा। ये मैंने टी ले लिया टी, और टी के साथ यहाँ पे ले लिया मैंने 3 और ये 1, टी का मतलब हो गया ट्राइटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। और एक मैंने ले लिया क्रोमियम, क्रोमियम 50 और यहाँ पे ये 24, तो ये है आपके सामने दो पेयर हैं। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा आइसोडाइफर्स होगा, देखो करके देखो आप लोग एक बार ध्यान से। देखो ऑक्सीजन 18 8 और कार्बन 14 C6, ये आप ट्राई करके देखना, ठीक है, ट्राई करके देखना और कमेंट सेक्शन में लिखना इनमें से कौन सा आइसोडाइफर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे, चार पॉइंट हमने पढ़ लिया, फिफ्थ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो और इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब सेम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे स्पीशीज को मैं क्या बोल दूंगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, हैविंग हैविंग सेम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको जिस भी स्पीशीज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम मिल जाए ऐसी स्पीशीज को हम बोलेंगे क्या बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखना भाई, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे ये देखो, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया फ्लोरीन, फ्लोरीन लिख दिया मैंने मान लो नेगेटिव, इसके बाद ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इसके बाद नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, इसके बाद मैंने नियोन लिख दिया, नियोन के बाद मैंने सोडियम लिख दिया Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव के बाद मैंने लिख दिया Mg2 पॉजिटिव। आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया इस पे, 9 प्लस में 1 कितना हो गया बताओ मुझे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर होगा इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं एक एटम के ऊपर,
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूँ। अब इस पे ये एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 में 2 ऐड हो गए तो कितने हो गए, 10। इसमें भी कितने हो गए, 10। इसमें नियोन में होते ही 10 है, यहाँ पे एक माइनस हो गया 10, यहाँ पे एक माइनस हो गया, ये भी कितने हो गए, 10 हो गए। तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, उनको मैं कहता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये देखो और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई बी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, इधर देखना सब। जैसे मैंने लिख दिया Si4 नेगेटिव, P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, आर्गन, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव एंड Scandium-3 पॉजिटिव। ये देखो भाई ये सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स रहेंगे, आप बेशक से इनके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। ये देखो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 14 होता है, तो 14 में 4 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो ये कितना हो गया, 18। फास्फोरस के भी कितने हो गए बोलो, 18। इसमें भी कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी कितने हो गए, 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, तो 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के होते ही 18 है, इन सब पे भी तीनों पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं वो सब सेम आ रहे हैं, तो सेम आने की वजह से ये जितनी भी स्पीशीज हैं सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। और देखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अगर मैं आपसे कह दूँ, मैं लिख दूँ H2S, HCl, Ar, SH नेगेटिव, इन सबको देखो आप, देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने, 2, प्लस में सल्फर के कितने बोलो, 16, तो टोटल कितने बोलो, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो, 18। 18 इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर हो गए तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना, 1, क्लोरीन के कितने बोलो, 17, तो इसमें भी कितने हो गए, 18। आर्गन में होते ही कितने बोलो, 18 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर का यहाँ निकाल लो ये कितना हो गया, 16, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, प्लस में 1, और एक माइनस का चार्ज है इसके ऊपर तो उसका और जोड़ लो, तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी तीनों के तीनों स्पीशीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इसके अलावा और देखो भाई, ये देखो डी पॉइंट, डी एग्जाम्पल इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया, कुछ मॉलिकुलर फॉर्म में लेते हैं, मैंने लिख दिया NH2 नेगेटिव, इसके अलावा NH3, इसके अलावा CH4, इसके अलावा H2O, इसके अलावा OH नेगेटिव, इसके अलावा NH4 पॉजिटिव, इसके अलावा मैंने OH नेगेटिव लिख लिया। आप देख लेना इन सब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेंगे आपको, सेम मिलेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कोई एटम भी हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कोई आयनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो हर किसी फॉर्म के अंदर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको देखने को मिल सकती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आप जैसे मैं आयनिक फॉर्म के अंदर ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं, चलो ये लास्ट दे देता हूँ। मान लो मैं सारे आयनिक फॉर्म में ले रहा हूँ, SiO4, ये कितना बन गया भाई चार्ज, SiO4 4 नेगेटिव हो जाएगा इस पे, इसके अलावा PO4 3 नेगेटिव, इसके अलावा SO4 2 नेगेटिव, इसके अलावा ClO4 नेगेटिव। इन सब के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। जैसे मैं सिलिकॉन की बात करूँ, 14 तो इसके हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के एक एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 8 फोर जा कितना हो गया, 24, तो 24 ये, और 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन किए हुए हैं, तो 4, 4, 4, तो ये कितना आ गया भाई, 2 आ गया, तो 2 आ गया तो एक ऊपर गया, तो 1, 1, 2 और 2 कितना बोलो, 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो, 42 हो गए, यहाँ पे 42 हो गए ना, 28 और ये 14 जो 42। इसके अलावा अगर इसमें मैं बात करूँ फास्फोरस के कितने हो गए, देखो 15, प्लस में ऑक्सीजन के फिर से 24, 8, 4 जो 24, ठीक है 24 ये, और प्लस में कितना कर दो बोलो, 3 कर दो, वही बात होगी, कितने आ गए बताओ मुझे, 42 आ गए, इसमें भी कितने आ जाएंगे बोलो, 42, इसमें भी कितने आ जाएंगे बोलो, 42 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये देखो सारे के सारे स्पीशीज क्या हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी स्पीशीज क्या होती हैं। इसके अलावा लास्ट जो केस है वो है 6th पॉइंट, जिसको मैं कहता हूँ आइसोस्टेयर्स। आइसोस्टेयर्स देखो क्या होता है, आइसोस्टेयर्स किसको कहते हैं, देखो स्पीशीज दैट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज कंसिस्ट ऑफ द सेम
नंबर एज वेल एज कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स। देखो कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। ऐसे स्पीशीज जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हों, एक तो वे अपने आप में क्या हो भाई, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हों, एक तो वे अपने आप में क्या हो बताओ मुझे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हो, और उनके नंबर ऑफ एटम भी क्या हो बताओ मुझे, सेम हो। ऐसे स्पीशीज को मैं कहता हूँ आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स के एग्जाम्पल देखो अब आप, फोर एग्जाम्पल ये देखना भाई, फोर एग्जाम्पल देखो इसके क्या क्या हो जाएंगे। अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, मान लो CH4 लिख लिया मैंने, CH4 और NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। आप देखो क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, हाइड्रोजन के ऊपर कितने हो गए 4, तो दो इनको जोड़ दो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो 10, नाइट्रोजन पे कितने एटम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो 7, और प्लस में 4 11, और एक एक इलेक्ट्रॉन इस पे देखो माइनस हो गया, मतलब प्लस चार्ज है, तो एक माइनस कर दो तो कितने आ गए बोलो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो दे बोथ आर व्हाट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, और इनके अंदर नंबर ऑफ एटम भी क्या है बताओ मुझे, सेम है 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो गए बोलो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये हो गए आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। लेकिन इनके अंदर एटम की अगर मैं बात करूँ, तो कार्बन के अंदर देखो एक एटम ये और चार ये, तो टोटल कितने एटम है 5, इसमें भी एक एटम ये और चार ये, तो टोटल कितने एटम है बोलो 5, तो पांच पांच एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये कैसा स्पीशीज हो गया बोलो आइसोस्टेयर्स हो गया। और देखो इसमें एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, मान लो कि भाई हमने लिख लिया SiO4, एक और लिख लिया मैंने, मान लो SiO4 फोर नेगेटिव एंड PO4 3 नेगेटिव। इनको देखो जरा, ये देखो सिलिकॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14, और ऑक्सीजन पे कितने हो गए 24, 24 8 4 जा 32। ओहो ये तो गड़बड़ हो गई भाई, ऊपर भी हम गड़बड़ करके आ गए, फिर तो यहाँ पे भी हमने गड़बड़ कर दी है। ये कितने थे इलेक्ट्रॉन, 8 थे ना, तो 8 4 जा कितना हो गया 32 हो जाएगा, ये 8 4 जा 32 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, और कुछ मैटर नहीं है, बाकी सब आप इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकते हो। ये 34 32 हो जाएगा भैया, 32 यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा 32, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 और बढ़ा दो, 10 और बढ़ा दो आप, देखो 4 2 6 और 4 4 सॉरी 4 2 8 और 4 12 ये हो गए, और इसके बाद एक जोड़ लो प्लस का, तो 1 2 3 और 2 5, तो ये कितने हो गए 52 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस पे, ये 52 हो जाएंगे भाई, 52 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस पे, ये 52 इलेक्ट्रॉन कर लेना, ये बाय मिस्टेक हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे भी 8 4 जा 32, ठीक है, और 32 इलेक्ट्रॉन अगर इस पे हो गए तो, और प्लस में 4 और कर लो, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, ये ऊपर अभी सॉल्व किए थे हमने, 4 और 2 6 और 4 10, 4 और 2 6 और 4 10 की 0 1, और 3 और 2 5, तो ये 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो ऐसे इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ मुझे, 50 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ये आइसोस्टर्स हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या बताओ मुझे सेम है, और सिलिकॉन कितना 1 4 और 1 कितना 5, 4 और 1 कितना 5, तो 5 5 इसके अंदर एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गए बताओ भाई मुझे, आइसोस्टेयर्स हो गए। तो ये आज की क्लास थी हमारी, जिसमें हमने एटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, और इसके अलावा एटम के अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी डिस्कस किए हैं, जो इस पीरियडिक टेबल चैप्टर को समझने में हमारी हेल्प करेंगे भाई। पीरियडिक टेबल चैप्टर क्या है?